जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। बोलो आनंद कुमार, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आज दिन शनिवार है, तिथि ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद डीके पंडा पूर्व आईजी पुलिस, मेरे स्वामी मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और साष्टांग दंडवत, और बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण हो। कल 6 तारीख को, 6 जून 2014 को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेंपल में सिख लोगों के बीच में आपस में मारपीट हो गया। झगड़ा झंझट नहीं है, मारपीट। और मारपीट में भाला, तलवार और बाकी इस तरह के अस्त्र शस्त्र जो भी होगा प्रयोग हुआ है बड़ा बड़े पैमाने पर। और उसका फोटो आज जो है इसमें जो न्यूज़ चैनल्स हैं या वेबसाइट्स हैं, न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, इंटरनेट में कंप्यूटर में देखने को मिला, तो बड़ा भयंकर दृश्य है। 12 लोगों को चोट आई है, उसमें 2 गंभीर रूप से घायल हैं, इस तरह का समाचार था। तो अवसर क्या था? अवसर था कि 30वां वर्षगांठ मना रहे थे ये लोग ब्लू स्टार ऑपरेशन का, उसको याद करके जो भी भाषणबाजी आपस में चर्चा वर्चा कुछ किए होंगे उसी में ये हुआ। कहते हैं कि सिमरंजीत सिंह मान ने कुछ किसी को कहने से बोलने से रोक करके अपना कुछ बातें ऐसा कहा जिससे कि सब लोग भड़क गए और फिर ये हुआ। इसमें जो लिखा है SGPC जो है शिरोमणि गुरुद्वार प्रबंधक कमेटी, उनके ऊपर हमला कर रहे थे बाकी सिख एक्टिविस्ट, ऐसा लिखा, उनको हमला कर रहे थे। उसके बाद कुछ यूनाइटेड नेशंस को शिकायत करने और ग्लोबल इंक्वायरी कराने जैसा कुछ बातें भी कहीं देखने को मिला था। ब्लू स्टार ऑपरेशन जो है भिंडन वाला बोल के एक था, इनका जो भी था वही सिख वो भी है और उसके सपोर्टर्स वहाँ पे हथियार उथियार बहुत जमा करके उसको बहुत बड़ा भयंकर परिस्थिति देश के विरुद्ध मेरे ख्याल में बना लिए थे। और खालिस्तान मूवमेंट चल रहा था, आज भी वो मूवमेंट चल रहा है। अभी थोड़े दिन पहले किसी में न्यूज में देखा था कि खालिस्तान मतलब पंजाब को खालिस्तान डिक्लेयर करके उसको भारत वर्ष से अलग करना और स्वतंत्र राज्य बनाना, ऐसा उनका मांग है, ऐसा उनका उद्देश्य है, ऐसा उनका विचार है, इस तरह की कुछ बातें जानकारी होगी। जो भी हो, जिसका जो भी कारण हो, जो भी अवसर हो, जो भी बहाना हो, लेकिन तुम लोग कहते हो कि वो जो है तुम्हारा हम गोल्डन टेंपल जो है सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है तुम्हारे लिए, सिखों के लिए सबसे बड़ा मंदिर और सबसे बड़ा पवित्र मंदिर, ऐसा तुम लोग मानते हो। और वहाँ पर चाहे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे फिल्मी अभिनेता है हो, ये सब जाकर के वहाँ माथा टेक के फोटो वोटो उसको खूब पब्लिसिटी देते हैं। किस कारण, क्या फायदा, यही करने के लिए तलवार उठा करके मंदिर के अंदर मारपीट करने के लिए, मार डालने के लिए, जान से मार डालने के लिए, हिंसा करने के लिए, हिंसा के चरम सीमा में पहुंचने के लिए, असभ्यता प्रदर्शन करने के लिए। इस देश का को देशवासियों को, देश को और संविधान को अपमानित करने के लिए, देश की व्यवस्था कानून व्यवस्था को तिरस्कार करने के लिए ये काम कर रहे मंदिर के अंदर। ये बहुत ही दुखद घटना है, अनहोनी है, नहीं होना चाहिए ऐसी घटना, वो हुआ है। मैं बार बार कहती हूँ कि सिख संप्रदाय जो धर्म
बनाया है ये इसका कोई ठोस आधार नहीं है, ये मनमानी वाला हरकत है। ये सब हिंदू हैं, हिंदू धर्म भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के ये अनुयायी हैं एक तरह से, लेकिन उनको छोड़ करके ये जब भी कोई समय गुरु नानक का समय हो, जब भी समय हो, वो गुरु ग्रंथ साहब बोल के बना लिए। गुरु ग्रंथ में कई गुरुओं का कुछ वाणी या वचन या लेख आदि उसमें शामिल कर लिए, कहें कि ये हमारा भगवान हो गया, उसी की पूजा करते हैं, चवर चवर हिलाते हैं, डुलाते हैं उसके सामने। भगवान राम और कृष्ण को छोड़ दिए, पूजना छोड़ दिए, नाम रखे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जो थे, भगवान श्री कृष्ण चंद्र का नाम, और वो क्रिकेट जो खेलता है खिलाड़ी बॉलर है, बॉलिंग करता है, क्या नाम उसका, हरिभजन सिंह। तो हरिभजन, हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, ये हरि है, गुरु ग्रंथ साहब हरि नहीं है। तो हरिभजन भगवान का नाम, हिंदू नाम है, हिंदू धर्म का नाम है, ऐसे और बहुत सारे नाम होंगे। और सनातन धर्म हिंसा को कोई प्रोत्साहन नहीं देता है, हिंसा को प्रोत्साहन देता है, अहिंसा व्रत करने का आदेश देता है सनातन धर्म। जो अष्टांग योग है उसमें यम नियम आदि है, यम में यही है अहिंसा, सत्य अहिंसा अस्त्य, इस तरह की बातें हैं उसमें, 10 या 12 चीजें हैं। धार्मिक स्थान में ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात इसमें यह है समझने की, एक तो आम आदमी होते हैं, एक ये होते हैं कि वो धर्म के संस्थापक या धर्म के गुरु जैसा कुछ लोग होते हैं, संत जैसा लोग होते हैं। तो आम आदमी जैसे हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म में शंकराचार्य हैं, 4 या 5 जो हुई है, और बाकी शंकराचार्यों के अतिरिक्त भी बहुत सारे सन्यासी साधु संत महात्मा ऋषिकेश वृंदावन इस तरह के स्थानों में विराजमान है, हिमालय में सब जगह है। जिनको हमारे सनातन धर्म की अच्छी समझ, और बाकी आम आदमी हिंदू जनता है, वो अपने अपने गांव में शहरों में रहते हैं, तो कोई भी घटना दुर्घटना हो जाता है तो वो आम आदमी तो भड़क जाते हैं, भड़क सकते हैं, ऐसी संभावना है। लेकिन जो साधु संत हैं, जो शंकराचार्य हैं, वो भड़क जाए और तलवार लेके खड़े हो जाए, ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो वहां पर जो हो रहा है, गोल्डन टेंपल में जो हुआ है घटना, उसमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि कौन संत है और कौन आम आदमी है। उसमें सब नीला और पीला रंग के पगड़ी बांधे हुए हैं, सब सफेद वस्त्र अधिकतर सब लोग पहने हुए हैं। दाढ़ी भी बढ़ाए हुए हैं, सब रखते हैं, और तलवार और भाला लेके पूरा मारने की पूरा हाथ उठाए हुए हैं, और वो कर दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं। तो जो संत हैं उनका कुछ कहना चाहिए, उनको रोकना चाहिए, मंदिर के अंदर होंगे जरूर संत, अब उनकी बात कोई नहीं मान रहा है तो फिर वो बेकार है धर्म, फिर काय का सिख धर्म कर खत्म करो। और हिंदू धर्म में सनातन धर्म में फिर से आ मिलो और इसी में संयम के साथ रहो, जो गुरु हैं, जो संत महापुरुष हैं, उनकी पूजा अर्चना करो, उनसे शिक्षा ग्रहण करो और कैसे जीवन को जीना चाहिए उसको देखो। और ये ऑपरेशन ब्लू स्टार के को याद करने की जरूरत क्या है,
उसमें वो कहते हैं मेरे ख्याल में कि इसमें सिखों के साथ अन्याय हुआ। कुछ लोग मारे गए, संत जो बिंदन वाला है वो भी मारा गया। बिंदन वाला भी कोई संत जैसा बना हुआ था, सुना है, और वो घूम घूम करके लोगों को भड़काता रहता था, ऐसा पढ़ाता कहीं। जो भी हो, हमारा कोई प्रिजुडिस नहीं है किसी के खिलाफ, सब हमारे बच्चे हैं। ये तो पहला नियम, सब हमारे बच्चे हैं, हम इसलिए उनकी चर्चा भी कर रहे हैं बच्चों के कल्याण के। तो कोई मर गया मान लो ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान जो भी कार्रवाई हुई आर्मी का हुआ, एक डीआईजी था अटवाल चटवाल क्या, वो भी मारा गया था। तो बहुत सारे लोग मारे गए होंगे उस समय। तो जो मारे गए हैं वो ठीक है, उसमें कोई उनका दाह संस्कार आदि जो अंतिम संस्कार है क्रिया, उसको ठीक से कर देना चाहिए, और वो अपने जगह चले गए जहाँ जाना था उनको, ऐसा समझ के शांत होना चाहिए। और मृत्यु जो है, और जन्म और मृत्यु, ये दोनों चीजें जो हैं भगवान के विधान के अंतर्गत होता है, ये आदमी नहीं मारता है। यही बात भगवान गीता में दूसरे अध्याय में, गीता के प्रारंभ में ही बता दिए हैं, अर्जुन को समझा दिए हैं कि तू जो शरीर कहते हो कि ये शरीर मैं हूँ, ये तुम नहीं हो, जो आत्मा है वही तुम ही हो। और आत्मा को ना कोई जला सकता है, ना पानी भिगा सकता है, ना कोई मार सकता है, ना तुम किसी को मार सकते हो। जो आत्मा स्वरूप हो गए हो तो तुम किसी को मार भी नहीं सकते। तो इसलिए जन्म और मृत्यु दोनों भगवान का विधान समझ करके, नतमस्तक होकर के भगवान के विधान को, आदेश को स्वीकार करना है मनुष्य का कर्तव्य है। किसी का जन्म हुआ भगवान की कृपा, चाहे लड़की हुई चाहे लड़का हुआ भगवान की कृपा, हाथ जोड़ लो। किसी की मृत्यु हुई, हाथ जोड़ लो, भगवान की कृपा, भगवान जैसा चाहते थे वैसे ही हुआ, जय जय श्री कृष्ण, भगवान कल्याण करें, कृपा करें, वैसे बनाए रखें ऐसा। तो भगवान की कृपा दोनों में, तो इसलिए उसको एक याद करके फिर अपने आप को भड़काने की आवश्यकता नहीं है। अपने को भड़का करके फिर और उपद्रव करोगे, और फिर उसमें फिर पुलिस वाले खड़े हो जाएंगे बंदूक लेकर के, तुम खड़े हो जाओगे तलवार लेकर के, फिर वहाँ गोली चलेगी या तलवार चलेगा, लोग मारे जाएंगे, फिर दोबारा वो सब करना, ये बुद्धिमानी नहीं। हालांकि अगर ये जो घटना घटित होता है ये भी भगवान की कृपा है, वो हम जानते हैं, ये सब भगवान की लीला है। जिसकी पाप, जिसका पाप का घड़ा नहीं भरा है, वो बार बार गलती करेगा, बार बार पाप का घड़ा भरता रहेगा, जब पूरा हो जाएगा उस मामला खत्म हो जाएगा। तो वही वाली बात है, एक उड़िया में कहावत है, वो हिंदी में भी होगा, वो कहावत है विपद काले विपरीत बुद्धि। मतलब जब विपत्ति का समय आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाता है, उल्टा हो जाता है, तो आदमी गलती करता है, भयंकर गलती करके उसमें खुद नष्ट हो जाता है। तो ऐसा होने से जहां तक संभव हो सके अपने को बचाना चाहिए। और ये तभी संभव होगा जब तुम्हारे जो संत महापुरुष तुम्हारे पास हैं वो तुमको उपदेश दें और उनकी बात को तुम लोग मानो, तब जाओ। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरी बोल।